स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका और बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मुकाबले की, यानी कि केप टाउन में जो मुकाबला चल रहा है उसमें टीम इंडिया को आज ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि शायद से टीम इंडिया फिर कभी ना देखना चाहे या इंडियन फैंस फिर कभी ना देखना चाहे। हमने एक सेशन में 111 रन बना लिए थे 4 विकेट खोकर और ऐसा लग रहा था कि यहां से टीम इंडिया 100, 150, 200 रन की लीड हासिल कर सकता है, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि आपने 42 रन के अंदर, जिसे बोले कि पूरी टीम पैक होकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है, 11 गेंद में टीम इंडिया के 6 विकेट साउथ अफ्रीका चटका देती है और एक ही ओवर में लुंगी एंगेडी, जिसे बोलते हैं कि मैच का जो पासा है वो इंडिया से साउथ अफ्रीका की तरफ वो पलट देते हैं। अब ये हुआ कैसे आपको बताते हैं। साउथ अफ्रीका ने भाई पहले बल्लेबाजी करी और हमने उनको 55 रन के निजी स्कोर पर, जिसे बोले कि पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया। बहुत शानदार स्पेल रहा मोहम्मद सिराज का, 6 विकेटें उन्होंने ली और उसके बाद मुकेश ने विकेटें ली, जसप्रीत बुमराह ने विकेटें ली और हमने एक, जिसे बोले कि एक हैवी एडवांटेज अपने पास कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, दूसरा सेशन यानी कि लंच के बाद जो दूसरा सेशन होता है टी तक का, उसमें टीम इंडिया ने 111 रन बनाए और 4 विकेटें खो दी। हालांकि ठीक है आपने 4 विकेटें जरूर खोई, लेकिन एक सेशन में आपने 111 रन बनाए और वहां पे लीड भी हासिल अच्छी खासी कर ली हमने। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि केएल राहुल और आपके विराट कोहली की पार्टनरशिप चल रही होती है। केएल राहुल बहुत बढ़िया खेल रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उससे पहले लुंगी एंगेडी का एक ओवर होता है, 153 रन वहां पे टीम इंडिया बना लेती है, 42 रन वहां से और जोड़ लेती है अपने, जैसे बोले कि स्कोरिंग खाते में, स्कोरिंग बोर्ड में, और वहां से आप देखिए कि पिक्चर यहां से शुरू होती है। पिक्चर मतलब कि यहां से टीम इंडिया को कोलैप्स शुरू होता है। केएल राहुल एक बाउंसर से परेशान कर देते हैं, लुंगी एंगेडी वहां पे कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, कॉयल वीरेन एक बढ़िया शानदार कैच पकड़ते हैं और उसके बाद आपको बता दें उसके बाद आपके रविंद्र जडेजा आते हैं, उनको भी बाउंस से परेशान करते हैं लुंगी एंगेडी और वो भी कैच आउट हो जाते हैं। आप देखिए उसके बाद आते हैं आपके रविंद्र जडेजा के बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके क्या नाम आपके रविंद्र जडेजा के बाद आपकी बैटिंग करने आते हैं जसप्रीत बुमराह, वो भी भाई आउट हो जाते हैं। लुंगी एंगेडी एक ही ओवर में 3 विकेटें वहां पे ले लेते हैं। सिराज आपके रन आउट हो जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा आपके जैसे बोले कि कैच हो जाते हैं, रबाड़ा उनको आउट कर देते हैं और मुकेश कुमार बिना खाता खोले हुए, बिना कोई गेंद खेले हुए पवेलियन लौट जाते हैं। तो ये पूरी पिक्चर रही और टीम इंडिया मतलब टीम इंडिया के लिए एक तरीके से बुरा सपना एक ही दिन में, आप देखिए कि मतलब एक दिन भी कंप्लीट नहीं होता और 20 विकेटें यानी 10 साउथ अफ्रीका की और 10 टीम इंडिया की चली जाती है। तो ये कितना टेस्ट क्रिकेट के लिए इतना जैसे बोले कि गलत एक एडवर्टीजमेंट है कि आप एक ही दिन में 3 पारियां वहां पे सिमट जाती है, 2 पारी मतलब वैसे आप बोल सकते हैं तो तीसरी पारी साउथ अफ्रीका खेलने आ जाता है। तो ये सारा कुछ रहा टीम इंडिया के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बहुत ही खराब दिन। एक तरफ बॉलिंग से कमबैक करते हैं और बैटिंग से आप कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये हम चाहेंगे टीम इंडिया कभी ना दोहराए इन फ्यूचर और होपफुली हम इस मैच में कमबैक करेंगे, अच्छा करेंगे, गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका को जल्द ही आउट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।